हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा थोड़ा पुराना वीडियो है, नवमी वाले दिन का वीडियो है, ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारे यहाँ नवमी की पूजा चल रही है, हो रही है, तैयारियाँ हो रही हैं, जिसमें मैंने पूड़ियाँ सेक ली हैं और उन्हीं पूड़ियों का मैं हलवा बना रही हूँ। दो पूड़ी मैंने बड़ी बड़ी सी सेक ली थी, अच्छी करारी करारी, और उनको मैश कर लिया है, उनका चूरा बना लिया है। फिर उसी कढ़ाई में उस चूरे को अच्छे से फ्राई किया है। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है, गुड़ डाल दिया है। जब पानी जो है अच्छे से उबाल लेने लगा, तो जो वो चूरा था पूड़ियों का, वो भी इसी में डाल दिया है। अभी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम अच्छे से पकाएंगे सिम आँच पर, तो हमारा हलवा एकदम अच्छे से बन जाएगा। इसमें देसी घी भी डालते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं वो डालते हैं, और जो पोस्ता दाना होता है महीन वाला, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, बहुत टेस्टी लगता है उससे ये हलवा। आप देख रहे होंगे हलवा बन के तैयार हो गया है, और एक तरफ मैंने आलू भी उबाल दिए हैं। आलू टमाटर की रसेदार सब्जी बनेगी, और एक तरफ मैंने कंडा भी लगा दिया है। आज नवमी की पूजा है, तो जिस तरीके से हमें करनी आती है उस तरीके से हम कर लेते हैं। बाकी हमारे वहाँ लखनऊ में होती होगी, वैसे नवमी की पूजा सभी के यहाँ अष्टमी नवमी पूजते ही हैं, तो जैसी हमें छोटी सी करनी आई हमने कर ली। हलवा पूड़ी का भोग लगा दिया, नारियल मोड़ दिया और हवन पूजन कर लिया। ये आप देख रहे होंगे मंदिर भी फूलों से अच्छे से सजाया है, पूजा पाठ अच्छे से की है। अब हम दोनों मिलके आरती कर रहे हैं। छोटा परिवार हमारा सदा बनाए रखना माँ, एक छोटा घर हमारा सदा बनाए रखना। इस बगिया में फूल खिले माँ सदा खिलाए रखना। अम्बे तू है जगदम्बे काल, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। साथियों, पूजा पाठ हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ने प्रसाद वगैरह ले लिया है, और पूड़ी सब्जी हलवा वगैरह सारा कुछ मैंने उनके टिफ़िन में लगा दिया था। तो वहीं से वो पूछ रहे थे कि सेव रखे हैं कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं, तो ये मैं सेव रख रही हूँ अलग से एक डिब्बी में। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल इंदौरी ही बन गए हैं, यहाँ पर भी खाने के साथ सेव ज़रूर खाए जाते हैं, तो उनकी भी आदत पड़ गई है, तो मैं ये उनको दे रही हूँ। उसके बाद वो ऑफिस चले जाएंगे, उनकी कोई भी छुट्टी नहीं है। साथियों, आज है महानवमी और हमारे यहाँ पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, आज उनकी छुट्टी नहीं है, उनकी कल भी छुट्टी नहीं है, दशहरा वाले दिन की भी छुट्टी नहीं है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर नवमी की पूजा कर ली है, हमारे यहाँ नवमी पूजती है, तो पूजा पाठ सब हो गई है। आप सभी को नवमी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। माता महागौरी आपके ऊपर कृपा करें और आपके सारे दुख और कष्ट हर लें। अब जो है इस समय 10 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे लिए चाय बना लेती हूँ। लक्ष्य अभी भी सो रहे हैं और उनको कन्या जिमने जाना है, तो वो उठेंगे, तैयार करके उनको कन्या पूजन के लिए भेज देंगे। और ऐसे भैरव बाबा को भी बुलाया जाता है ना, लंगूरों को भी बुलाया जाता है, तो इनको भी जाना है, और मैं मेरे लिए चाय पीती हूँ, और उसके बाद फिर अपना और भी काम देखेंगे। काम तो मोस्टली हो ही चुका है, खीर पूड़ी सब्जी और हलवा वगैरह सब कुछ बनाया था, तो वो तो सब कुछ बना हुआ है। अब बस थोड़ी सी फैल गया है तो वो थोड़ा साफ कर लेंगे और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, मोबाइल चलाएंगे। साथियों, इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज नवमी का महापर्व है, तो इसी उपलक्ष्य में मंदिर में भजन हो रहे हैं, तो इन भजनों में और माता के आशीर्वाद लेने में हम लोग भी शामिल हो गए। Thank you.
दोस्तों भजन हो गए हैं और अब भगवान भोलेनाथ को प्रसाद लगाया जा रहा है। जो भी फलिहारी का प्रसाद होता है वो सब भोलेनाथ को, बाकी सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों को भी यही प्रसाद दिया जाएगा। तो इस तरीके से आज नवमी के दिन हमारी पूजा पाठ हुई और भगवान का आशीर्वाद हम सब लोगों ने लिया और भजन भी खूब जोर शोर से किए और इन भजनों में इतने खुश हो गए, इतने मगन हो गए कि जमकर नाचे। खूब अच्छा लगा हमको, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एकदम भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। इस तरीके से जब क्रियाकलाप होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सभी स्त्रियों के लिए, सभी लोगों के लिए ऐसा प्रसाद लगाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। ये प्रसाद हम लोगों को मिला है इस तरीके से। आज का हमारा ये मंदिर का और हमारी महागौरी नवमी पर्व का वीडियो मैंने बनाया और आपके साथ शेयर किया। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मैं आगे बढ़ूँ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।